Hey guys, what's up? Hope you're doing great. So, आज हम बात करने वाले हैं टोल के ऊपर, टोल रिलेटेड. तो जो कुछ टॉपिक इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे और अपने राइट्स के बारे में. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मतलब सबसे ज़्यादा मेन अभी जो चल रहा है और जो कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, मतलब कुछ जगह हुआ है कुछ जगह नहीं चलता, मोस्टली लोगों को पता भी है पर पता भी नहीं है कि 3 मिनट रूल का क्या होता है. आप पोल पे निकलते हो, टोल लगा जाता है भाई, उन तो है नहीं, आपके पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप उससे लड़ झगड़ तो सकते नहीं है, तो आप भी निकल जाते हो. और कई टोल वाले ऐसे हैं जो कई बार, अगर जैसे कोई आपके तो जर्नलिस्ट हो या कुछ हो, माइक देखते हैं या आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको भेज देते हैं. सो जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट है, जो मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो 3 मिनट रूल है. तो अगर आप किसी टोल पे और आपके पास फास्टैग लगा हुआ है तो आपको 3 मिनट के अंदर अंदर उसमें आपको टोल क्लियर करना पड़ेगा. अगर नहीं करता तो टोल फ्री है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. और अगर वो या जो भी मतलब टोल ऑपरेटर है, अगर आपको वो करने से मना करता है, आप सिंपली उसको बोल सकते हो कि भाई ये ऐसे ऐसे रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, NHAI की साइट के ऊपर अवेलेबल है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. आप उसकी फ़ोटो खींच के रख सकते हो फ़ोन में या जैसे भी है. और उसके अलावा भी अगर वो उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो यू कैन फाइल अ कंप्लेंट. उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है NHA वालों ने, 1033. कुछ ना करो, बस चुप करके उस नंबर पर कंप्लेंट कर दो और खुद भी ना कंप्लेंट करो. जैसे अगर टोल में लाइन लंबी लगी और वो नहीं मानते, जितने लाइन में है सबको ये बताओ कि 1033 पर कंप्लेंट कर दे, जितनी लाइन में बंदे खड़े होगा उससे कुछ नहीं. सिग्नल में ये होता है कि आपको कई बार होता है अटेंड करे ना करे, जितनी ज़्यादा कंप्लेंट होती है आपको यह रिजोल्यूशन जल्दी मिलेगा. और सेकेंड अगर आती है कि कई बार कहते हैं कि अगर हम पैसे जमा करा रहे हैं, हमारे बैंक में से कटे हैं और फास्टैग में नहीं आए हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका फास्टैग से मतलब फास्टैग वाले उसमें कुछ नहीं करेंगे. उसमें अगर आपका जोन से भी बैंक आया है, उसके कस्टमर केयर को, जो कस्टमर केयर वाले हैं या हेल्पलाइन नंबर है, उनको कॉल करना पड़ेगा. उसमें बैंक चेक करेगा, उसमें आपका जैसे फास्टैग है या उसके उससे रिलेटेड कुछ नहीं होगा. और उसके अलावा कई बार क्या होता है, वैसे तो मोस्ट रेयर सीन ये हुआ है कि अगर आपके मतलब फास्टैग में ज़्यादा पैसे कट रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपको बैंक के थ्रू ही एक कंप्लेंट रेज करनी पड़ेगी. वो आपका बैंक फास्टैग वालों को एक क्या बोलते हैं, एक लेटर करेगा या रेज करेगा इशू कि हमारे इतने इतने डिडक्ट हुए हैं या एक्स्ट्रा डिडक्ट हुए हैं. और उस चार्जबैक प्रोसेस में नॉर्मली 20-30 वर्किंग डेज में मतलब आपके पास मिल जाएगा. अगर आपकी कोई इनकरेक्ट होती है, वैसे तो मोस्टली नहीं होता, मगर अगर आपके साथ हुआ है तो आप बैंक में कर सकते हैं, बैंक के थ्रू उनके टोल जो टोल है उनके पास जाएगी. और उसके अलावा क्या होता है, अगर आपके पास फास्टैग लगा हुआ है और उसमें बैलेंस भी अवेलेबल है और आप किसी टोल से गुजर रहे हो और उनका सिस्टम नहीं वर्क कर रहा, फास्टैग वहाँ पर फैसिलिटी है, बोर्ड लगा हुआ है और उनका सिस्टम नहीं वर्क कर रहा, तो आपको तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, आपसे वो चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपका इशू नहीं है. और अगर आप करना चाहो तो सेम अपना नंबर होगा 1033 कि अगर वो फास्टैग उस जगह पे नहीं चल रहा था उसका आप इशू कर सकते हो. और सेम ही 1033 नंबर है कि अगर आपके पास टोल पे जा रहे हो कोई आपके पास हरासमेंट करता है या मिसबिहेव करता है, वो भी आप उस नंबर पे हेल्पलाइन नंबर पे रेज कर सकते हो कंप्लेंट. और उसके अलावा नंबर के अलावा कुछ उनकी ईमेल आईडी भी है. अगर वैसे तो आप खुद जाके NHAI की वेबसाइट है, गूगल सर्च करोगे आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में सब मिल जाएगा, उसकी ईमेल वगैरह, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. उसके अलावा और उन लोगों के लिए भी फ्री है फास्टैग, जैसे जिनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है उनके लिए, जैसे आपकी कार उस हिसाब से व्हीकल डिज़ाइन होता है फिजिकल डिसेबिलिटी लोगों के लिए, तो उनके लिए भी फास्टैग फ्री हो सकता है, एग्जेम्प्टेड है. और बाकी किस किस के लिए एग्जेम्प्टेड है पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई है साइट के ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हैं. आप उसके अंदर आते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. और इसी से रिलेटेड आती है कि अगर आप एग्जेम्प्टेड उसमें व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं तो आपको फास्टैग करना ज़रूरी है कि नहीं है, तो इसका आंसर है नहीं, ज़रूरी नहीं है. अगर आप एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे कोई आर्मी प्रोफेशनल है या पुलिस से, जिससे भी मतलब जो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज है, अगर उसके अंडर आ रहे हैं तो आप नहीं भी लेते फास्टैग चलेगा, मगर आप लेना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. उसमें क्या होगा, अगर आपके पास नहीं लगा हो आप सिंपली जाएंगे उनके पास, आप अपनी आईडी दिखा सकते हैं, अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते होंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा. और एक जो नितिन गडकरी जी की स्पीच आई है, उन्होंने माना है
और ये बहुत देर से हो रहा है कि 60 किलोमीटर के बीच में जो टोल बने हुए हैं वो होने नहीं चाहिए रूल, एज अ रूल के हिसाब से चले तो। और वो कह रहे हैं कि अब आगे से जो इतने बने हैं उसको हटाया जाएगा, मगर जो पहले ले रहे थे क्या वो पब्लिक को पैसे वापस भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसके बारे में नहीं है। चलो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये 3 मिनट रूल और ये सब जो फास्टैग का हिसाब था जो चल रहा है टोल का, जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट उन्होंने मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कही है कि 1 साल के अंदर अंदर सारे टोल हट जाएंगे, तो जो भी आपका टैक्स और जो सब कटेगा वो GPS के थ्रू कटेगा कि आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे उतना के खाली पैसे देने पड़ेंगे। सो यार चीज़ तो बढ़िया है, बट लेट्स सी 1 साल का टारगेट है उसमें होता है कि नहीं होता, और हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया, कंजेक्शन या ये जो रूल्स वगैरह ये सब होता है ये सब सारा कुछ झंझट ही खत्म हो जाएगा। सो या देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सो टिल देन, तो जब तक है तब तक देखो कि अगर किसी टोल पे जाम लगा हुआ है और आपके पास फास्ट टैग है 3 मिनट के अंदर की, उनके पास है गाइडलाइंस रूल जो है 3 मिनट में क्लियर करना है, और एक चीज हो रहा है कि हर टोल के ऊपर 100 मीटर की लाइन होनी चाहिए। अगर 100 मीटर से ज़्यादा वेटिंग है कि लाइन उससे ज़्यादा क्रॉस कर रही है तो जितनी भी मतलब लाइन है वो सारी क्लियर होगी, उस लाइन के अंदर जितने व्हीकल आते हैं उसके बाद उनका टोल लगेगा। सो या हमें खुद भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ता है इस चीज़ों के लिए। सो अपने आसपास जितने भी उनसे शेयर करो कि अगर आप टोल भर रहे हो फालतू लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका बनता है वो दो, मगर अगर आपका वेटिंग टाइम है या आपको जाम में खड़ा होना है तो आपको टोल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका राइट है। और वैसे ही जैसे अगर जैसे आपके पास बैलेंस है आपका फास्टैग ठीक है, प्रॉब्लम अगर वो टोल ऑपरेटर में जा टोल प्लाजा में जिसमें जा रहे हो वहाँ पे फास्टैग की मतलब फैसिलिटी ख़राब है या कुछ इशू आ रहा है, तब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा क्योंकि उसमें आपका कोई इशू नहीं है, वो टोल का इशू है। सो या यही कुछ चीज़ें थी टूल से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप कमेंट में डाल सकते हो, अगर मैं सॉल्व कर सकता हुआ या मुझे उसके बारे में पता हुआ तो या श्योरली रिप्लाई। सो या टिल देन टेक केयर, सी यू।